हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट पे क्या क्या बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आई नो दैट यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी एंड नाउ यू आर 100% रेडी, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो चुकी है। तो आज का ये जो वीडियो दोस्तों हम देखने जा रहे हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स के जिनका कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, विदाउट स्टडी फिर भी हम कितने मार्क्स ले सकते हैं। तो ये देखो, विदाउट स्टडी भी आराम से 80 में से 40 मार्क्स ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, 50% मार्क्स आप ले सकते हैं। 20 मार्क्स आपके डियर टीचर ने आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि 100 आउट ऑफ आप 60 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास में आप आराम से पास हो सकते। चलो देखते किस तरीके से ये 40 मार्क्स मिलने वाला है। यस, विदाउट स्टडी आपकी पढ़ाई नहीं हो चुकी है, फिर भी यार एक बात समझ लो, हमारा जो कल का इंग्लिश का पेपर है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि एक्टिविटीज़ दी होती है। जो सिंपल एक्टिविटीज़ है वो बस उन्हीं के लिए है जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, स्टडी नहीं हुई। फिर भी ऑन 11th आवर, यानी कि अगर आज अभी भी आपके हाथ में पेपर दिया जाएगा तो भी आप आराम से 40 मार्क्स ले सकते हैं। तो चलो, ऐसे कौन से क्वेश्चन है ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आराम से 40 मार्क्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट हमारा क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोज सेक्शन का, जिसमें हमारे टेक्स्ट बुक्स में से पैसेज आने वाले। मान लेते हैं पढ़ा नहीं है, फिर भी आंसर्स हम यहाँ पे ढूंढ के लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, सीन पैराग्राफ का पहला जो क्वेश्चन होता है, A1 एक्टिविटी याद रखना। A1 पहली एक्टिविटी इतनी सिंपल होती है, ट्रू फॉल्स लिखो, यानी कि सही गलत लिखो। यार जो सेंटेंस दिया है पैसेज में ढूंढो, एज सेंटेंस मिला जैसा ही कि वैसा सेंटेंस मिला तो ट्रू होगा, अगर सेंटेंस चेंज किया होगा तो फॉल्स होगा। यानी कि यहाँ पर बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करना है, आंखों से देखना है कि ऊपर का पैसेज में का सेंटेंस एंड क्वेश्चन में का सेंटेंस सेम है या नहीं है। सेम होता है तो ट्रू है, नहीं होता है तो फॉल्स होता है। या फिर यहाँ पर सीक्वेंस ऑर्डर का क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस ऑर्डर का क्वेश्चन कौन सा आता है? स्टोरी टाइप होता है। जो सेंटेंस पैराग्राफ में पहले आया होगा उसे पहले लिखना, जो बाद में आया उसके नीचे, यानी कि चार सेंटेंस को एक के नीचे एक लिखना है। जो पहले सेंटेंस आएगा उसे फर्स्ट लिखना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार ही सेंटेंस आते हैं। या फिर कोई छोटा सा वेब दिया जाता है, वेब हमें कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। वेब कंप्लीट जब करते हैं तो डायग्राम दिया जाता है। डायग्राम में आपको तो पता है टेंथ में ये क्वेश्चन आता है, सिंपल एक एक वर्ड लिखना होता है, बहुत इजी है। यानी कि ये एक्टिविटी के आंसर यहीं पर है, पढ़ाई नहीं हुई फिर भी पैसेज से हम लिख सकते हैं। दो मार्क बिल्कुल मिलने वाले हैं, गलत कोई भी नहीं होता, यहाँ पे 2 out of 2 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद में A2, ये जो क्वेश्चन होता है सीन पैराग्राफ का, अनसीन का भी वो भी बताएंगे। सीन पैराग्राफ का इसका आंसर पैसेज में ही होता है, ढूंढना पड़ता है, बस वो कुछ स्कैटर होता है, इधर उधर होता है, उसको मैच करना होता है। मान लेते हैं पूरा 2 out of 2 नहीं, लेकिन एक मार्क्स यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्योंकि आंसर पैसेज से ही लिखना है, ढूंढ के लिखना है बस। देन टोटल ग्रामर दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन B1 लिखा है, लेकिन टोटल ग्रामर अगर हम देखते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में, तो पूरे क्वेश्चन पेपर में हमें 8 मार्क्स के लिए ग्रामर का पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स का ग्रामर है, 8 में से 5 मार्क्स हमें 100% मिलेंगे। जो इजी क्वेश्चन आते हैं ना, इजी वाला एकदम, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन चलो थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, उसको छोड़ देंगे हम, लेकिन जो बहुत इजी है उसके बारे में। अब कैसे समझना, सर ग्रामर की तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो चुकी है, फिर भी करेक्ट आंसर ऑप्शन में से कैसे ढूंढना है? तो बस आपको ये ट्रिक याद रखना है, मैच द टेंस ऑफ सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस का टेंस एंड आंसर सेंटेंस का टेंस मैच करना है। टेंस मैच करना मतलब क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट, एम इज आर प्रेजेंट होता है, आंसर में भी प्रेजेंट होना चाहिए, वाज वर हैड आता है तो पास्ट टेंस में चल, यानी कि बस आपको टेंस को क्या करना है, मैच करना है। एंड दूसरा क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा
या फिर वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल में, यानी कि इज हमेशा सिंगुलर के साथ लेते हैं, वॉज भी हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, हैव हमेशा प्लूरल के साथ आता है, उसके बाद में हैज सिंगुलर के साथ आता है, डू सिंगुलर के साथ, सॉरी प्लूरल के साथ आता है, डज सिंगुलर के साथ आता है, बस ऐसे मैच करते रहना। यानी कि इससे हमें ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं कि ये टेंस पास्ट टेंस का है, देखो कौन कौन से प्रेजेंट टेंस वाले ऑप्शन वहीं पे कट हो जाते, बचते दो ही है, 50-50 वाला कौन बनेगा करोड़पति, दो चले गए, आंसर दो बचे, बस दो में क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब को फिर एग्री करना है, पहले मैच द टेंस, यानी कि टेंस से दो ऑप्शन तो वहीं से कट हो जाते हैं, दो या एक ऑप्शन, बचे हुए ऑप्शन को क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्री से चेक करके देखना है, 100% 8 में से 5 आंसर आपके बराबर पक्के आने वाले। बहुत सिंपल सिंपल ग्रामर, लास्ट अब तक का जो एक आपको यहाँ पे वीडियो भी मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाई चैनल पे, पिछले साल के सब क्वेश्चंस ग्रामर के स्पेशली सब कैसे सॉल्व किए हैं, कैसे आंसर तक जाना है उसका वीडियो है, जरूर देख लेना, छोटा वीडियो बना है, ज़्यादा नहीं है। देन यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमें मार्क्स देने वाला है वो है सीन पैराग्राफ, सिमिलर अनसीन के जैसा, सॉरी अनसीन एंड सीन दोनों सेम ही है। यहाँ पे A1 एक्टिविटी बहुत सिंपल होती है, ट्रू द फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस, वेब आता है या फिर सीक्वेंस ऑर्डर आता है, कंप्लीट द सेंटेंस आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इतना सिंपल सिंपल एक्टिविटीज आता है, दो मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। A2 जैसे मैंने कहा इसको एक मार्क इसलिए दिया है, आप कहेंगे कि सर एक मार्क किस भरोसे से बोल रहे हैं आप, क्योंकि एक मार्क इसलिए है, दो आंसर देने होते हैं, बस पैराग्राफ से देख के लिखना है, ढूंढना पड़ता है, आधा आधा मार्क आपको वहाँ पे 100% मिलेगा। अगर आपका आंसर कंप्लीट सही भी नहीं है, जैसे एक्सेप्टेड है लेकिन आपने ज़्यादा लिखा होगा, तो भी वहाँ पर थोड़ा शेयर तो चला जाता है, यानी कि वहाँ पर आधा आधा मार्क्स, दो पॉइंट को आधा आधा मार्क्स मिलता है, एक मार्क्स वहाँ पे पक्का मिलता है। A5 पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है दोस्तों, पर्सनल रिस्पॉन्स का A1 में भी होता है, A2 में भी होता है, बस हमें क्या करना है, हमारा ओपिनियन लिखना है, इसका आंसर पैसेज से कभी नहीं लिखना है, खुद को पूछा गया है अपने लैंग्वेज में लिखो, ग्रामर नहीं आता है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, सेंटेंस बनता नहीं है, फिर भी लिखो, फिर भी लिखना है, क्योंकि आप जो भी लिखोगे मान लेते हैं आउट ऑफ मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर हाफ मार्क मिल सकता है डेफिनेटली, जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, आपका अटेम्प्ट जो है वो सही गलत नहीं होता है, आपने जो लिखा है रिगार्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, तो उसको आधा मार्क्स 100% मिलता है, पहले वाले क्वेश्चन का आधा, ये वाले क्वेश्चन का आधा, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स पे हमें एक मार्क बिल्कुल मिलेगा, लिखो, यकीन करो, बहुत पिछले 20 सालों से पेपर चेकिंग मैं कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे पता है कि थोड़ा तो भी क्रेडिट स्टूडेंट्स को देना पड़ता है, सेंटेंस आंसर आपने पूरा एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा लिखा है, फिर भी आपने जो कोशिश की है ना उस कोशिश के लिए मार्क्स देना पड़ते हैं, आधा मार्क्स तो बिल्कुल बनता है यार। समरी राइटिंग क्वेश्चन सेकेंड भी यहाँ पर दो मार्क्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे बताता हूँ, सबसे पहले बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करो, अच्छे से प्रेजेंटेशन मतलब क्या करना है, अच्छे से लिखना है, हैंडराइटिंग अच्छे करना है, बॉक्स अच्छा बनाना है, न्यू पेज पे ये क्वेश्चन लिखना है, सबसे पहले कोई टाइटल लिख दो, क्वेश्चन को पूछो, ये जो वाला जो पैसेज होगा उस पैसेज को पूछो कि ये पैराग्राफ किस बारे में, व्हाट द पैसेज इज अबाउट, जो भी माइंड में आपके ख्याल आएगा वो टाइटल समझ के उसको दे देना। टाइटल कैसे देना है, द एडवांटेजेस ऑफ अगर दिए होंगे तो, द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिए होंगे तो, नहीं तो सिंपली लिख देना द इंफॉर्मेशन ऑफ, ये भी टाइटल एक्सेप्टेड होता है, द इंफॉर्मेशन ऑफ, एंड उसके नीचे क्वेश्चन पेपर में कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, रीड कर लेना क्वेश्चन पेपर में पॉइंट्स, एंड उन पॉइंट्स को कवर करके हमारा अप्रोक्सीमेटली ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 8 लाइन तक या फिर 10 लाइन तक एक पैराग्राफ बनाना है, सिंगल पैराग्राफ बनाना है, ओनली वन पैरा बनाना है, एंड उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, 100% आपको यहाँ पर दो मार्क्स मिल लेंगे। दो मार्क्स कैसे है, जो हमारे मार्क्स समरी के लिए दिए होते, कवरिंग पॉइंट्स, आप जो कवरिंग पॉइंट्स करेंगे उसमें से एक तो मार्क्स आएगा पक्का, प्रेजेंटेशन टाइटल लिखा है, ग्रामर पैसेज से ही सेंटेंस आ रहे, ग्रामर भी आएगा, यानी कि एक और एक 11 नहीं 2 हो जाएंगे,
तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पे पक्का मिलेंगे सेम। उसके बाद में हमारा एक बहुत ही बढ़िया सिंपल पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर हम कहेंगे सबसे इजी, हर एक स्टूडेंट लिख सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स वो है हमारा माइंड मैपिंग। अब देखो माइंड मैपिंग में करना क्या है, बस देख लो यार ऐसा कुछ तो भी क्लाउडी शेप वाला एक डायग्राम बना दो, एंड यहाँ पे आपको दिया जो भी पॉइंट दिया गया, फॉर एग्जांपल हॉबी या फिर ह्यूमन हॉबी क्या क्या है। अब यार बस लिखते जाओ यार, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आप जो लिखोगे, सेंटेंस तो लिखना नहीं है वर्ड लिखना है, कोई भी गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूँगा हॉबी क्या है, स्विमिंग है, तो सही है। हॉबी क्या है, रीडिंग है, होती है रीडिंग। हॉबी क्या है, स्लीपिंग, किसी किसी की होती है हॉबी, किसी की ईटिंग की भी हॉबी होती है, यानी कि यहाँ पे गलत कोई नहीं होगा। स्विमिंग करना है तो स्विमिंग फिर क्या है, लेक पे होता है, या फिर जो हमारा स्विमिंग पूल होता है वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, रीडिंग होता है, रीडिंग किसका कर सकते हैं हम, नॉवेल का कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का कर सकते हैं, स्टोरी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे फ्री राइटिंग होता है, बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, व्हाट एवर यू राइट। बस हमारा ये जो पॉइंट होता है इससे रिलेटेड जो आएगा, इससे नज़दीक वाले जो रहेंगे, हर एक शब्द को लिखना, यहाँ पे गलत कोई नहीं होता है। बस आपने इसे अच्छे से इस तरीके से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन के लिए हमें 1 मार्क दिया जाता है। पॉइंट्स कवर कर रहे हैं हम, ये जो पॉइंट्स कवर कर रहे हैं ना, ये पॉइंट्स को 2 मार्क्स दिए जाते हैं। अब ये जो पॉइंट्स है ये हर एक स्टूडेंट के अलग अलग होने वाले, ये तो बात सही है, यानी कि किसी का भी गलत नहीं होता है। बस एग्जामिनर क्या अपेक्षित करता है, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, दैट यू शुड ट्राई, तुमने कोशिश करनी चाहिए, लिखना चाहिए, हमारे तरफ से हमने मार्क्स तो दे दिए। सो यहाँ पे 100% मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। एवरी स्टूडेंट, माय सजेशन दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये सोचना नहीं है, माइंड में ये रखना नहीं है क्या लिखूं, जो आएगा इससे रिलेटेड, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमें टॉपिक दिया गया है इससे रिलेटेड बस हमें लिखना है। स्पोर्ट्स भी हो सकता है ना, गेम हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, या फिर एंटरटेनमेंट हो सकता है, हॉबी क्या हो सकती है, अलग अलग हॉबी। एंटरटेनमेंट क्या है, टीवी देखना होता है, मूवी देखना होता है, ड्रामा देखना होता है, या फिर आप कहेंगे गेम्स कौन कौन से हैं, तो इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। सोचना ही नहीं, बस थोड़ा सा 1 सेकेंड 1 मिनट रुको, देखो क्या टॉपिक दिया है, हम क्या क्या यहाँ पे, सिर्फ सिंगल सिंगल वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना नहीं होता है। फ्रेम करते समय अच्छे से फ्रेम करो, यहाँ तक हमें क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट लेयर होता है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड लेयर होता है, एंड ये हमारा थर्ड लेयर होता है, यानी कि 1 2 3, इधर भी देखो 1 2 3, 3 लेयर तक हमें डायग्राम बनाना है, 3 लेयर तक डायग्राम बनाना है, याद रखना। पहले 1, फिर उसके बाद में 3 बनाओ, चाहे 4 बनाओ, एंड फिर अगेन उनके 1 1 2 2 बना सकते हैं आप। इस तरीके से ब्रांचिंग करना है, 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हमारा एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो सीन से ही रिलेटेड है, हमारे टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड है, दैट इज पोएट्री सेक्शन। अब पोएम्स के कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बगैर स्टडी करे भी हमें मार्क्स दे सकते हैं, तो देखो पहला वाला जो होता है, पहला वाला ठीक है ना, ये पहला वाला ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, जैसे सीन अनसीन पैराग्राफ में आता है, ट्रू फॉल्स सीक्वेंस में लिखो, कंप्लीट करो, या फिर कंप्लीट द सेंटेंस इस तरीके से, या फिर कोई वेब आ जाता है ना, तो इनके आंसर 100% पोएम से ही ढूंढ के लिखना होता है। ये तो ये जो एक्टिविटी है ये भी पोएम से रिलेटेड ही होती है, कोई सेंटेंस दिया जाता है पोएम से ही, एंड हमें कहा जाता है कि एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, तो इसका एक्सप्लेन करते समय बस स्टार्टिंग में लिख देना यार, द लाइन फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम द पोएम मीन्स, बस आपको पोएम से थोड़ा सा देख लेना पोएम्स को, एक बार क्या दिया है पोएम में उस तरीके से लिखना है। उसके बाद में ये वाला एक क्वेश्चन है जो बगैर स्टडी करे भी वहां पे दे सकता है, याद रखना, ये एक फिगर ऑफ स्पीच, कॉन्सोनेंस, जैसे अलिटरेशन है वैसे कॉन्सोनेंस है, तो अलिटरेशन कॉन्सोनेंस ये फिगर ऑफ स्पीच
पूरे अगर टेक्स्ट बुक में हमारे आठ आठ पोएम में से कोई भी सेंटेंस अगर हम उठा लेते हैं तो वहाँ पे एक तो कॉन्सोनेंस मिलेगा, नहीं तो दूसरा अलिटरेशन मिलेगा। मिलेगा मतलब मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, अलिटरेशन मिलेगा, नहीं तो कॉन्सोनेंस मिलेगा। अब ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये हर जगह मिलती है, हर सेंटेंस में होती है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कहीं पर भी देखो यहाँ पे द का ई आया, लाइन का ई आया है, पोएम का ई आया है, मीन्स का ई आया, यानी कि वर्ड के बीच में भी अगर कोई स्पेशल कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे अभी वोवेल साउंड लिया था, कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कि यहाँ पे टी आया है, यहाँ पे टी आया है ना, कॉन्सोनेंट साउंड भी अगर रिपीट होता है तो भी ये फिगर ऑफ स्पीच आती है कॉन्सोनेंट। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना, फाइंडिंग फिगर ऑफ स्पीच के लिए एक मार्क होता है एंड उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए एक मार्क, यानी कि आपके ये दो मार्क्स 100% मिलेंगे। बस कॉन्सोनेंस को 10 बार अभी 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 लिख लिख के आप थोड़ी सी कोशिश करो, लर्न हो जाएगा। A5 पोएट्री बनाना होता है, जैसे मैंने कहा कि इसके पहले जो माइंड मैपिंग का क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी हमारा फ्री राइटिंग वाला पोएम है। यहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि कितनी गलतियाँ हुई है, बस ये देखता है कि चार लाइन बनाए हैं, जो दी गई थीम है, जो दिया गया टॉपिक है उससे रिलेटेड चार लाइन्स बनाए हैं यार, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या है, पोएट्री बनाते समय ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई राइमिंग वर्ड्स यूज़ होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं बताया नहीं जाता है कि राइमिंग वर्ड्स आना चाहिए या फिर ए बी स्कीम आनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बस यहाँ पे आप क्या सकते हैं, नहीं अगर आपको राइमिंग वर्ड्स जमते हैं तो बस आपको क्या करना है, फ्री वर्स में भी आप इसे लिख सकते हैं। फ्री वर्स में यानी कि जनरली जैसे हमारे सेंटेंस होते हैं उसी तरीके से, जैसे मान लो आपको पोएम बनाने के लिए कहा गया कि नेचुरल सीनरी, इसके ऊपर पोएम बनाने के लिए गया, तो आप जनरली बोल सकते हैं आई हैव सीन अ ब्यूटिफुल पिक्चर, सेकेंड लाइन में इट इज़ ऑफ द नेचुरल व्यू, तीसरे लाइन पे द शरीन पिक्चर और द कामनेस ऑफ द प्लेस, नेक्स्ट इसमें लिखना वॉज रियली अनफॉरगेटेबल मोमेंट, इस तरीके से आप अगर लिखते हैं तो भी एक्सेप्टेड है। यहाँ कहीं पे भी आप देखते हैं कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं यूज़ किया, बस सेंटेंस जो दिल में आए वो लिख दिए हैं, फिर भी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स 100% मिलेंगे। फ्री वर्ड्स में लिखा तो भी आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। तो मेरा ये आपको सजेशन है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि पोएट्री को क्वेश्चन को बिल्कुल मत डरो, बस चार सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस बनाते समय ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, पूरे लाइन टू लाइन नहीं लिखना है, एक सेंटेंस लिख दिया जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आया, फिर एक नीचे लिखना है, यानी कि चार लाइन पे चार छोटी छोटी सेंटेंसेस फ्रेम करके लिखना है। राइमिंग के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, नहीं जमता है, अगर जमता है तो बहुत अच्छा, नहीं भी जमता तो भी लिखना, क्योंकि जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे कोई ना कोई फिगर ऑफ स्पीच उसमें आती ही है, तो वो भी यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होता है एप्रिसिएशन। दोस्तों एप्रिसिएशन ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं पॉइंट वाइज लिखना है, कैसे लिखना है, कंफ्यूज होता है, तो यार मैं आपको बता दूं, जो टेंथ में आपने एप्रिसिएशन लिखते थे वैसा नहीं लिखना है, वैसा एप्रिसिएशन नहीं लिखना है। यहाँ पर याद रखना है एप्रिसिएशन लिखते समय हमें पॉइंट ये लिखना है कि जैसे कि पोएट पोएम, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट पोएम एंड पोएट, तो यहाँ पे आपको 2 या 3 लाइन्स में पोएम पोएट को लिखना है, पैराग्राफ बनाना है, छोटा 2, 3, 4 लाइन का पैराग्राफ बनाना है, उसके बाद में थीम के 1-2 सेंटेंस लिखो, 1-2 सेंटेंस लिखो, पोएटिक डिवाइस लिखो, कौन सी स्टाइल में लिखा गया है, फ्री वर्ड स्टाइल में लिखा गया है या फिर कोई प्रॉपर स्कीम वहाँ पे यूज़ की गई है, या फिर आप यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिख देना, जो आपको पता है वो लिख देना, है ना, आपका ओपिनियन लिख देना। फ्रेंड्स देखो, सिर्फ ये लिखने के लिए एक मार्क होता है, थीम लिखेंगे 0.5 मार्क मिलेगा, आपका ओपिनियन बिल्कुल लिखना है वहाँ पे, उसको 1 मार्क है, तो 2 मार्क्स एप्रिसिएशन को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर नहीं ज़्यादा लिखते हैं तो अगर आप 8-10 लाइन या 5-6 लाइन में भी लिखते हैं छोटा वाला तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में हमारा चालू होता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमें 100%
100% हमें मार्क्स देने वाला है राइटिंग स्किल का। अगर राइटिंग स्किल को अभी अगर आप देख लेते हैं, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, आपको इसी PGMN ऐप के ऊपर, सॉरी PGMN चैनल के ऊपर, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में देखो, राइटिंग स्किल का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, कैसे क्वेश्चन लिखना है, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके बताया। बस एक बार भी अगर देखते हो आप तो यार देखो, DVM ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में क्या है, इस तरीके से हमें उसको ड्राफ्ट करना है, डेट लिखना है, टाइम लिखना है, बस 3-4 लाइन का पैराग्राफ लिखना होता है जो उसमें दिया होता है, वो कैसे एक बार वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। बस इतना भी लिखते हैं आप तो भी कवरिंग पॉइंट्स जो है उसके लिए 1 मार्क होता है, ओवरऑल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन के लिए 1 मार्क आपको मिलता है। लैंग्वेज आपकी गलत है, मार्क्स कम कर दिए है। आपका सेंटेंस पैटर्न गलत है, मार्क्स कम कर दिए है। 2 मार्क्स है, 4 में से आपको 2 मार्क्स तो 100% मिलेंगे। टेंशन नहीं लेना, ग्रामर नहीं आता है, लैंग्वेज अच्छा नहीं है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बस आपने कोशिश करना है, अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है हमारा DIQ, यानी कि ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इसके आंसर्स वहीं पे मिलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, सबसे पहले हमें एक टेबल में फिल इन्फॉर्म जो दिया होता है, नेम ऑफ इंटरव्यूवी, टाइम, डेट, वेन्यू, ये अपने दिल से लिखना है, ये अपने दिल से लिखना है। उसके बाद में हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए कहा जाता है, पॉइंट्स भी दिए गए होते हैं। अब उसमें से कुछ कॉमन पॉइंट्स देखो, हर किसी इंटरव्यू के लिए काम में आते हैं। जैसे कि आइडॉल, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आइडॉल कौन है, तो बस सिंपल क्वेश्चन लिखना है, हु इज योर आइडॉल, लर्न करके रखो, लगे तो अभी से ही लर्न करके रखो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। मैसेज, हर इसमें लिखना है हमें मैसेज, वॉट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स, क्वेश्चन मार्क। हर एक इंटरव्यू में हमें ये मैसेज लिखना ही होता है। सक्सेस प्लान पूछना पड़ता है हमें हर एक को, बताए पॉइंट्स दिए गए होते हैं। ये जो पॉइंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 4 पॉइंट्स तो पक्के हर एक इंटरव्यू में आते हैं। बस इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 4 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन तो वही, अगर आपने पिछले पेपर्स देखे तो आपको पता चलेगा कि वही पॉइंट्स रिपीट होते हैं, एंड उसके क्वेश्चन तो ऐसे ही हम फ्रेम करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा एक इजी क्वेश्चन होता है राइटिंग स्किल का, दैट इज कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग क्या होता है, तो हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी एंकरिंग हम करते हैं दोस्तों। बस हमें क्या करना है, हमें जो पॉइंट दिए है वो पॉइंट को एक एक को डिटेल में लिखना होता है। पॉइंट का इंट्रोडक्शन, तो पहले इंट्रोडक्शन वर्ड लिखना है, उसके नीचे इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, वेलकम कैसा करते हैं। तो बस सोचना है कि हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ तो किस तरीके से प्रोग्राम हुआ था, उस इवेंट को याद रखना है, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, अपनी ओन लैंग्वेज में। थोड़े इसके कुछ वर्डिंग्स होते हैं कंपेयरिंग के, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट वगैरह देना होती है, तो कुछ वर्ड्स है। अगर आपने इसका वीडियो देख लिया दोस्तों तो राइटिंग स्किल में आप अभी जो मैंने एक्सपेक्टेड मार्क्स बताए उससे भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, तो इसके लिए एक बार वीडियो देख लो। उसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज फिल्म रिव्यू। फिल्म रिव्यू इसलिए फिल्म रिव्यू कि पिक्चर तो आपने देखे होंगे बहुत से, कोई एक पिक्चर को अभी सेट कर लो कि यार यस, ये पिक्चर की स्टोरी मुझे अच्छे से पता है, ये पिक्चर में कौन कौन से कैरेक्टर है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ये मुझे अच्छे से पता है, इसमें ये डायरेक्टर कौन है। अभी यहाँ पे देखो, डायरेक्टर आपको नहीं भी पता होगा तो भी एग्जामिनर ये नहीं चेक करता कि आपका जनरल नॉलेज कितना सही है, बिल्कुल नहीं। बस यहाँ पे नेम ऑफ डायरेक्टर लिख दो, मिस्टर जो भी लिखना है, थीम ऑफ द मूवी, ये जिस पिक्चर की थीम है वो लिखना है। थीम यानी कि क्या होता है, कि इस पिक्चर किस बारे में दी गई है। अगर मान लेते हैं नेम ऑफ मूवी हमने ले ली पुष्पा वाली, है ना, झुकेगा नहीं साला, तो ये पुष्पा जो है इस पिक्चर में हीरो कौन है वो लिखना है हमें, अल्लू अर्जुन। उसके बाद में कैरेक्टर जो है उसका नाम लिखना है, अगर नहीं भी आता है तो इतना जनरल नॉलेज नहीं चेक होगा, बस आपको उसकी स्टोरी अच्छे से याद है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लॉट, यहाँ पे प्लॉट यानी कि स्टोरी डिटेल में लिखना है। 2 पैराग्राफ तक आप अच्छे से स्टोरी लिखो उसकी, 100% यहाँ पे फिल्म रिव्यू में। ज़्यादा कोई गलत वाला पार्ट नहीं होता है, मार्क्स डिडक्ट करने के, मार्क्स कट करने का कोई चांस नहीं होता है,
बस आपको क्या करना है, अच्छे से इसे रिप्रेजेंट करना है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ज़्यादा यहाँ पे रॉन्ग वाला कोई पार्ट नहीं होता है, आपको क्या करना है, जो स्टोरी है बस आपको लिखना है, जो जो आपको याद आ रहा है वो लिखना है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज गलत हो जाएगा पक्का, ग्रामर गलत आएगा पक्का है, इसके लिए 2 मार्क है, 2 मार्क ऑलरेडी हमने कम कर दिए, हमें भी पता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्वेश्चन भी हमें 100% मार्क्स दिलाएगा। उसके बाद में लास्ट वाला सेक्शन है फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ नोवेल, सॉरी इन नोवेल सेक्शन वाला हमारा। अब नोवेल सेक्शन देखो, 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव आते हैं यहाँ पे, 4 मार्क्स के। सर हमारी तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो चुकी है, फिर कहाँ से मार्क देंगे हम? अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा, आपकी लिखने की जो मेहनत है उसके लिए मार्क मिलने वाला है। तो क्या कुछ भी लिखा तो चलेगा क्या? नहीं दोस्तों, कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको करना क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, आपको 100% वही पे वही मिलने वाला है, समझ रहे आप कैसे है, वही पे वही इसको मिलने वाला है। सेकेंड जो है, अब यहाँ पर देखो हर एक नोवेल पे हमें 4-4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, हर एक के लिए 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यार अगर आपको स्टोरी भी पता होगी एंड उस स्टोरी से रिलेटेड भी आप लिखते हो तो हर एक में आधा आधा मार्क्स आपको मिलते रहेगा, हर एक के लिए आधा आधा 1 मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स पक्का मिलेगा। फ्रेंड्स 40 मार्क लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप सोचोगे है ना तो 100% आप यहाँ पे 40 मार्क्स ले सकते हैं। तो होप दोस्तों आप सभी को फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत ही कूल माइंड से पेपर छोड़ना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।